पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। कोई एक अच्छी कहानी पसंद करता है। किताबें उनसे भरी पड़ी हैं। राजा रानी की कहानियां, प्रेम कहानियां, बहादुरी के किस्से, परियों की कहानियां। लेकिन एक कहानी ऐसी है जो आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, मेरी प्रेम कहानी। ये छोटी छोटी बातों से बुनी गई है, एक लकड़े से बनी हुई खिलौने की नाव, एक छोटा सा आईना जिसे मैं अपने पर्स में रखा करती थी, एक वीडियो कैमरा और एक चाय की पत्तियों से सजी हुई टोपी। आप माने या ना माने, इसकी शुरुआत दरवाजे के एक मामूली से हैंडल से हुई थी जो इत्तेफाक से ढीला था। हाँ, 12 बजे नहीं, 12:30 बजे नहीं, आई एम बिजी एट दैट टाइम। हाँ, हम टेंडर भेज रहे हैं। नहीं, उस वक्त शिपिंग कंपनी के लोग मुझे मिलने आ रहे हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इट्स नॉट मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे कहा, मुझे यकीन है कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। बढ़ाना ही पड़ेगा, हर हफ्ते एक जहाज को मंजीरा आइलैंड जाना ही होगा। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैडम। यस, क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। भंडारी गड़बड़ कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैडम। तो समझाओ उसे, कुछ पैसे दे दो। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम साहब। ईमानदार ऐसा कोई आदमी नहीं, सलाम कीमत बढ़ाने के लिए कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। पता करो कितने में बिकेगा। हर आदमी की कीमत होती है। अरे आप क्यों लाइन में खड़े हैं? और ये क्या पहन रखा है सर पे? हमेशा मजाक करते रहते हैं। चलो डैडी, आप भंडारी से बात क्यों नहीं करते? वो आपके दोस्त हैं, आपकी बात जरूर मानेंगे। भाई मम्मी से पूछ लो। क्यों आशा? बॉस, भंडारी से बात कर लो। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी। कम ऑन अंजलि, लेट्स गो। बाय। मेरे डैडी और मम्मी, मिस्टर अजीत अग्रवाल और मिसेस आशा अग्रवाल, ख्यालात में एक दूसरे से कितने अलग हैं। हमेशा मैं इनके बारे में यही सोचा करती थी, जिनका कोई मेल नहीं, न मिजाज का न पसंद का, उनको एक दूसरे से प्यार कैसे हुआ? मेरे डैडी अग्रवाल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे और मम्मी मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी को किस तरफ ले जाया जाए ये तय करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर डैडी का रास्ता पूरब की तरफ था तो मम्मी का रास्ता पश्चिम की ओर। इस उलझन से बचने के लिए डैडी ने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी 2 सालों के लिए मम्मी के हाथ में सौंप दी। अब मम्मी के लिए ये एक चुनौती थी, उन्हें हर हाल में कामयाबी हासिल करनी थी और उस कामयाबी की चाबी थी
हिंदुस्तान का एक छोटा सा द्वीप मंजीरा। नो नो नो, मुझे मंजीरा द्वीप के फोटोग्राफ्स मत दिखाओ, हटाओ इन्हें। ये खबरें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। दीक्षित साहब, मुझे हकीकत चाहिए, क्या हो रहा है वहाँ ये बताइए। जॉनसन एंड जॉनसन को उस जजीरे पे गए हुए 6 महीने हो गए। और उन 6 महीनों में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। अब तक जंगल कट जाने चाहिए थे, सड़कें बन जानी चाहिए थी, फैक्ट्री खड़ी हो जानी चाहिए थी। दीक्षित साहब, आज ही टिकट मंगवाइए और कल ही चले जाइए मंजीरा। एक मिनट अंजलि, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इससे हमारी कंपनी का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस काम के लिए हमें किसी समझदार आदमी को भेजना चाहिए। शेखर। No problem. Assam, Ceylon, Darjeeling. Yes, Darjeeling. शेखर, तुम्हें ये क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। मम्मी तुम्हें बुला रही है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। चाय बना रहा हूं। मिस्टर शेखर पंचोटिया, कुछ और नहीं कह सकते थे? उसके सामने मैं हमेशा इतना नर्वस क्यों हो जाता हूं? मेरी गोलियां, मेरी टेंशन की गोलियां। क्यों हंस क्यों रही है शेखर? हाँ, बड़ा दिलचस्प लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अंजलि, बस मम्मी समझ गई, वही पुराना राग शेखर से शादी का। हर्जी क्या है, आखिर रिश्ता तो है। हमारा बिजनेस पार्टनर है वो। तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारे डैडी ने और उसके डैडी ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था। आज उसके डैडी नहीं रहे तो क्या हुआ, और फिर देखने में भी तो बहुत अच्छा है। मम्मी, शेखर पंचोटिया, मिसेस पंचोटिया। एग्जैक्टली exactly. और फिर रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, ना मिजाज, ना रास्ता, ना सोच। मैं उसकी तलाश में हूँ। हमारी सोच एक हो, रास्ता एक हो, पसंद एक हो, वो सबसे अलग इंसान हो, कमाल का इंसान हो मम्मी, वो मुझे जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। क्या पता, शायद दरवाजे के बाहर ही मिल जाए। आपने मुझे बुलाया? आ शेखर। क्या हुआ शेखर? कुछ नहीं मम्मी, चाय बना रहा है। हसो, स्माइल। ओके शेखर, बाय। शेखर जा नहीं सका, मुझे जाना पड़ा एक ऐसे सफर पे जहां मैं खो गई हमेशा के लिए, एक अलग दुनिया में, एक अलग इंसान के साथ। मैं मंजीरा पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हमारी फैक्ट्री के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ इतने मिस्टर जॉनसन एंड जॉनसन, फैक्ट्री का काम रुका हुआ क्यों है? हमारी गलती नहीं है मैडम, यहाँ के लोग ही थोड़े गलत हैं। बहुत ज्यादा गलत है, वेरी रॉन्ग। फैक्ट्री का तो नाम भी नहीं सुनना चाहते। फैक्ट्री जैसे कोई फैक्ट्री ना हो, बीमारी हो, डिजीज। मिस्टर जॉनसन एंड जॉनसन, ये मेरा प्रोजेक्ट जी। फैक्ट्री बन के रहेगी, डू अंडरस्टैंड? आइलैंड वालों को और ज्यादा पैसे दे दो। यही तो प्रॉब्लम है मैडम, पैसे ही नहीं लेते। हा? बड़े अजीब लोग हैं। वेरी स्ट्रेंज, पैसे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ का लीडर कौन है? यहाँ एक ही आदमी है जिसकी हर बात यहाँ के लोग मानते हैं, कैप्टन किशन, द लीडर। तो फिर देर किस बात की है, उसी से मिलते हैं। उसका क्या नाम बताया, कैप्टन किशन? लेकिन वो तो फसारी में गया हुआ है। फसारी? ए, फसारी नहीं, सफारी। मैडम, जंगल के सफर को सफारी कहते हैं। जी हाँ जी हाँ, सफारी। अब वो जंगल में गया हुआ है एक पागल गुरिल्ला के पीछे। वेरी मैड एनिमल। हाँ, उससे मिलना बहुत जरूरी है। हमें भी जंगल जाना पड़ेगा। जंगल? हाँ जंगल।
अभी इसी वक्त। जंगल में जाने के दो ही रास्ते हैं, एक तो कैप्टन किशन की बोट या फिर अंकल डिसल्वा का उड़न खटोला। नहीं, हमको तो प्लेन चाहिए, प्लेन चाहिए। हवाई जहाज, हवाई जहाज। हाँ। हवाई जहाज ही है सारे मंजीरा में सबसे बेस्ट प्लेन। ये? हाँ। ये बेस्ट, सबसे अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि मंजीरा में एक ही प्लेन तो है ये। लड़की रिश्तेदार है दूर की। पूछी 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 पूछी। एक और लड़की, ये इनकी रिश्तेदार है। यू नो अंकल डिसिल्वा, मुझे आपका प्लेन दो दिनों के लिए चाहिए। किराया क्या होगा? आपसे किराया क्या लेना, आप सिर्फ मेरे लिए दो दिन के पेट्रोल का इंतजाम कर दीजिए। गॉड आप ही रक्षा करें। का एरियल ऊपर लो, रेडियो का एरियल ऊपर लो। तुम सीढ़ी नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम अकेले रह जाओगे। डोंट वरी ब्रदर, दुनिया हिल जाएगी। अर्थक्वेक, लेकिन मैं सीढ़ी नहीं छोड़ूंगा। मैं आ गया। कॉलिंग अंकल डिसिल्वा, कॉलिंग अंकल डिसिल्वा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओवा। अरे अग्रवाल, आपकी आवाज आ रही है? ओवा। इस वक्त मैं नदी के ऊपर से गुजर रही हूँ, जैसे ही कैप्टन किशन की बोट नजर आएगी मैं लैंड करके उसे मिलने की कोशिश करूंगी। ओवर एंड आउट। रॉजर, ओवर एंड आउट। अंकल डी सिल्वा, मैडम को कोई डेंजर तो नहीं है ना? हाँ, नो खतरा, नो खतरा। और यहाँ, अरे मंजीरा जन्नत है जन्नत। यहाँ के खाने में सिर्फ एक ही चीज मिलाई जाती है, वो है प्यार। ये सीबीआई का आदमी है इगुआना, मुंबई से यहाँ मंजीरा द्वीप आया हुआ है जंगल में छिपे हमारे चरस और कोकीन के कारखाने के बारे में पता लगाने। अच्छा कैमरा है, हाँ? बहुत अच्छा कैमरा है इसका। याशिका, ऑटोमेटिक फोकसिंग, पावर जूम, जूम टेक, जूम लेंस। इससे झाड़ियों में छुपकर दूर से करीब की फोटो ले सकते हैं, समझे? हाँ, जैपनीज कैमरा है। और इस बटन को दबाने से अंधेरे में भी बिना फ्लैश के अच्छी तस्वीर खींची जा सकती है। क्यों, कमाल का कैमरा है तेरा? यू बास्टर्ड! कॉलिंग अंकल डिसिल्वा, मैं बहुत दूर तक निकल आई हूँ, अभी तक कैप्टन किशन की बोट नजर नहीं आई। एक मिनट, जंगल में कुछ झोपड़े, कुछ टेंट्स हैं, शायद कुछ लोग भी होंगे। मैं कैमरा से देखती हूँ, साफ नजर आएगा। हाँ, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मिस अग्रवाल, आपकी आवाज ठीक नहीं पहुंच रही है, जरा रेडियो की वायर चेक करिए। ओह, निकल गई है। अंकल डिसिल्वा, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। क्लियर। गुड। नीचे कुछ लोग तो दिखाई दे रहे हैं,
मगर जैसा आपने कैप्टन किशन के बारे में बताया था वैसा तो कोई नहीं है। अरे साला उसके पास वीडियो कैमरा है, हम सब की तस्वीर उसमें आ गई है। शूट करो प्लेन को जल्दी। इतनी बदशकल सूरत तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। खैर मैं कैप्टन किशन को आगे ढूंढती हूँ। प्लेन में गोली लगी है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, चलो। नीचे घना जंगल है, इसे साफ करके हमारी फैक्ट्री के लिए बिजली घर आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि झरना भी नजदीक है और अंकल डिसिल्वा, प्लेन का पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है? पेट्रोल बहुत है। प्लेन का इंजन भी बंद हो रहा है। प्लेन क्रैश होने वाला है। सुना आपने? प्लेन क्रैश होने वाला है। मिस अग्रवाल, क्या कहा आपने? प्लेन क्रैश होने वाला है। मैं संभाल नहीं सकती। मैं आप नदी पे उतरने की कोशिश कीजिए। पानी तक नहीं पहुंच सकती। मैं पेड़ों में क्रैश होने वाली हूँ। I can't control it. मैं क्या करूँ? Help me! मिस अग्रवाल, आप ठीक तो हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? Come in, मिस अग्रवाल, come in. मिस अग्रवाल, come in, मिस अग्रवाल, please. एक बार आप कह दीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मिस अग्रवाल, जिंदा हूँ, मरी नहीं, लेकिन सब कुछ उल्टा क्यों है? ओह, मैं ही उल्टी हूँ। अरे बचाओ, कोई है? कोई है? हेल्प! कोई फायदा नहीं, जंगल ही जंगल है। ओह गॉड, इससे बुरी हालत हो ही नहीं सकती। नहीं, क्या आपको यही जगह मिली थी योगा करने के लिए? अच्छा, हाथी, नो प्रॉब्लम। यो यो, यो, ये तो सिर्फ सूंघ के देख रहा था कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। यहाँ तो दोस्ती की खुशबू है, दुश्मनी की बदबू नहीं। ये अंकल डिसिल्वा का प्लेन है ना? ये तो हमेशा पेड़ पे अटकता है या पानी में गिरता है। इसे तो मैंने जमीन पर कभी उतरते हुए देखा ही नहीं। बक बक ही करते रहोगे, उतारोगे मुझे। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इस मनहूस आदमी को ढूंढने निकली? वो क्या नाम था उसका? कैप्टन, 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 कैप्टन किशन। और तुम्हारा नाम? मिस अग्रवाल, मिस अंजलि अग्रवाल, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। मिस अग्रवाल, उठाओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
विवेक भारती रेडियो सिलोन ला रही हूँ, मैं अंजलि बोल रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं देते? मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, आप ठीक तो हैं? जिंदा ही, मरी नहीं, स्टिल लाइवली, नॉट डेडली। शट अप, क्या बकते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल डी सिल्वा, आपका प्लेन पेड़ों में फंसा हुआ है। आपसे बात करने के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ा। मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए गौर से मेरी बात सुनो। कैप्टन किशन से मेरी मुलाकात हो गई है। कैप्टन किशन? हाँ हाँ, कैप्टन किशन से। मैं फौरन वापस आने की तैयारी कर रही हूँ। ओए जॉनसन एंड जॉनसन, आपने अपनी बोतल उठाओ। वो कैप्टन से मिल चुके हैं, आप चिंता की कोई बात नहीं। अरे चिंता की तो बात है, वो और कैप्टन, कैप्टन का क्या होगा? पुअर फेलो, गया काम से। अरे कैप्टन किशन क्या चीज है, ना तुम जानते हो ना अंजलि अग्रवाल। मुझे नीचे उतारने में इतनी देर, जल्दी नहीं कर सकते? हाँ हाँ, सुना है शहर में बटन दबाते ही लोग नीचे आ जाते हैं। ये जंगल है मैडम, जंगल। देखो मैं इंतजार नहीं कर सकती, जानते हो मेरा वक्त कितना कीमती है। अरे इतनी देर में तो मैं लाखों रुपए कमा सकती थी। कम ऑन, जल्दी करो, सारा दिन मुझे यहाँ लटका के रखोगे क्या? नीचे आने का कोई शॉर्टकट नहीं है? हाँ शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट। शॉर्टकट? हाँ ये कोई तरीका है? शॉर्टकट? क्या अंजू का प्लेन क्रैश हो गया? हेलो सर, चिंता की कोई बात नहीं है, अंजू को मिल गया कैप्टन किशन। हाँ वो गया था ना वो पागल जानवर के पीछे, उसे मिल गई अंजू। सेम थिंग, एक ही बात है। मैं फौरन आ रहा हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? वहाँ जंगल में अंजू की जान खतरे में। ये कैसी जगह है, यहाँ मच्छर बिच्छू की तरह डसते हैं और बिच्छू सांप की तरह, इसीलिए तो इसे जंगल कहते हैं। अब बातें ही करते रहोगे, आगे बढ़ोगे? आगे बढ़ो। बड़ी सरफिरी लड़की है, गुरिल्ला के पीछे पड़ा था, शेरनी पीछे पड़ गई। इसी को जिंदगी कहते हैं मेरे दोस्त गणपत। गणपत? गणपत कौन? ये मेरे जंगल का साथी। ये पागल है, बिल्कुल पागल है। देखो मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, मेरा फौरन वापस जाना बहुत जरूरी है। वापस तो जा रहे हैं, वो सामने वाले कबीले में दो दिन रुक जाओ, मैं उस पागल गुरेला को पकड़ लूं, फिर चलते हैं। वो रही मेरी बोट। समझ गया, इसी को भरतनाट्यम कहते हैं। भरतनाट्यम में फुट मेरे कपड़ों में किया घुस गया है। तो मरिए मत उसे, मैं अभी आता हूँ। एक लो, इसे अपने जिस्म पर लगा लो। क्या कीचड़? नहीं। अरे लगा लो, कीड़ा तो क्या, कोई जानवर भी पास नहीं आएगा। ये लीजिए। छी, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कीचड़ अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। चल गणपत यार, यहाँ अपनी कोई कदर नहीं। अग यक। आओ। अरे
आखिर तुमने मेरी बात मानी ली ना, अच्छा किया। अब कोई जानवर तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। पहचानी है, आई है दूर से लड़की दीवानी है तो वो अजनबी पर जानी पहचानी है। मुझको तो याद रहेगा ये सफर प्यार का, देखो भुलाना नहीं तुम भी कभी ये सफारी, ये सफारी याद रहे भूले नहीं ये सफारी। सफारी, ये सफारी याद रहे भूले नहीं ये सफारी। पर जानी पहचानी है,
सफारी, ये सफारी याद रहे भूले नहीं, ये सफारी ये सफारी। डरने की कोई बात नहीं, कैप्टन किशन के साथ। कैप्टन किशन? ये कैप्टन किशन है कौन? ये सब मैं नहीं पीती, ये क्या मिला रहे हो चाय में? मंजीरा बूटी, इसी से तो इस द्वीप का नाम पड़ा है। चाय में डालो, थोड़ा अपनापन मिला लो, साथ बैठ के पियो, एक रिश्ता बन जाता है। पियो। अच्छी है। हर चीज भूल सकता हूँ लेकिन मंजीरे की चाय का स्वाद नहीं। पानी? नहीं, मैं सिर्फ उबला हुआ पानी पीती। ओह, उबला हुआ पानी। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सेहत का पूरा ख्याल रखूंगा। ये चश्मे का पानी है, पाउस का नहीं। पाउस? हमारे यहाँ बारिश को पाउस कहते हैं। सुना है तुम्हारी मुंबई में भी ऐसे ही कहते हैं। अगर मंजीरा से बाहर गया तो तुम्हारी मुंबई जरूर आऊंगा। हाँ। यानी कि तुम आज तक इस जजीरे से बाहर गए ही नहीं। हाँ, अब मैं समझी तुम इतने जाहिल और अनपढ़ क्यों हो। हमारे यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है मिस। हमारे गाँव के चर्च में फादर फिलिक्स का स्कूल है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सारी परवरिश उन्होंने की है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप? एक तूफान में वो चल बसे, उस वक्त मैं इतना सा था। मैं तो सिर्फ नाम का कैप्टन हूँ, असली कैप्टन तो मेरे पिताजी थे, कैप्टन जतिन खन्ना, इंडियन नेवी। यहाँ उनकी बदली हो गई और यहाँ उन्हें एक भोली भाली लड़की भा गई, मेरी माँ कालिनी। इस झरने के पास वो मिला करते थे, इसके पीछे पत्थर पे उन्होंने अपना नाम लिख दिया। जब प्यार हो जाता है तो जंग के बारे में कौन सोचता है। मेरे पिताजी ने सबसे पहला काम यह किया कि नेवी से इस्तीफा दे दिया, दूसरा काम यह किया कि मेरी माँ से शादी कर ली, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत बदल गई। मेरी किस्मत? ऐसा क्या हुआ? मैं पैदा हो गया। तुम? अरे मेरी किस्मत। जरा सोचो कि अगर मैं पैदा नहीं होता तो तुम्हारी हड्डी पसली मिक्स होकर उस मगरमच्छ के पेट के किसी कोने में पड़ी रहती। हाँ, हर इंसान पैदा होता है किसी ना किसी मकसद के लिए। तुमने मुझे बचाकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया है। अब तुम जियो या मरो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम मुझे तो नहीं। बोलो बोलो, ये वो पागल गुरिल्ला नहीं था? हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि मेरे जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, पड़ेगा। गुड नाइट। सर, ना यहाँ कोई लड़की है ना कहीं वीडियो कैमरा दिखाई दे रहा है। बीरू, तुम्हें कुछ मिला? इगुआना, यहाँ कुछ कपड़ा फंसा हुआ है, नीचे फेंको। यस सर। इसका मतलब है लड़की जिंदा है और वीडियो कैमरा उसके पास है, ढूंढो उसे, नजर आते ही खत्म कर दो। नीचे उतरो तुम लोग, चलो। कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन। क्या है? तुम जहां मुझे ले जा रहे हो वो कबीला है कहां? 12 बजे। 12 बजे? मैं पूछ रही हूँ कबीला कहां है और जवाब दे रहे हो 12 बजे?
टोपी के नीचे सिर है मगर सिर के नीचे भूसा ही भूसा है। तोतली जबान बोलने वाली बच्ची बड़ों की बातें क्या समझेगी। ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूँ कि कबीले से 12 बजे का ताल्लुक क्या होता है। इस जंगल में कोई रास्ता नहीं, ना बाएं ना दाएं, ना ऊपर ना नीचे, अपने हाथों से घड़ी बनानी पड़ती है। आहा, हाँ। नहीं समझी। ये घड़ी के दो कांटे, अगर तुम्हें बाएं जाना है तो 9 बजे, वहां जाना है तो 10 बजे, 11 बजे, अगर दाएं जाना है तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और अगर पीछे जाना है तो 6 बजे। अरे सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओके। और कबीला सीधे आगे है 12 बजे। अच्छा समझ गए। समझ गए। वो बाल्टी दो। बाल्टी कहाँ है? 5 बजे। ओ 5 बजे, आ करेक्ट। कालुमा कैप्टन कैप्टन कैप्टन, हाथी का मोमो, हाथी का ताला, कीड़ी का लेले, आई 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 आई। अरे अंजलि, ये मेरा दोस्त मनोला है, यहाँ के मुखिया का बेटा, इस कबीले का राजकुमार। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू? अरे ये तो अंजलि मेरी तरह नहीं है, ये तो घूमता फिरता रहता है दिल्ली मुंबई, लेकिन इस आइलैंड की याद इसे यहाँ ले आती है। मगर कैप्टन यार, तू हम सबको भूल गया लेकिन हम तुझे नहीं भूले। देख, तेरे स्वागत के लिए सब लोग आए हैं। अरे कैप्टन के लिए खाना लगवाओ। आओ कैप्टन आओ। पागल गुरेला, इसकी ताकत 20 आदमियों के बराबर है, शेर भी इसके सामने नहीं टिक सकता, ये सारे कबीले के लिए खतरा बन चुका है। इस पर हावी होने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे अपने जाल में फंसाएं और नशे के दवा वाले तीर इस पर बसाएं। ये बेहोश हो जाएगा और हम इसे पकड़ लेंगे। किसी को कोई सवाल करना है बोलो मनोला। कल जो तुम्हारे साथ लड़की आई है वो कौन है? अरे बेटे, कैप्टन गुरीला के बारे में पूछ रहा है। बाबा मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। मनोला, वो जो कल लड़की आई है ना, वो रिश्तेदार है इस पागल गुरेला की। क्या मतलब के ये? अरे वो लड़की मुंबई से आई है, हमारा जंगल काट कर यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती है। ओ, हम सब समझे थे कि वो तुम्हारी नेवा है। क्या मेरी नेवा? हाँ। अरे मनोला क्या तू भी? अरे उसे देखा है तूने? अरे ये तो अच्छा हुआ तेरी जोरू उसे ठीक ठाक कराने ले गई, नहीं तो उसकी सूरत देखकर ये गुरेला भी भाग जाता। अच्छा। मैं यहाँ क्यों आई? इससे बुरी हालत तो हो ही नहीं सकती। चमकी हंसते नहीं। अब इसकी भाप लो, ये मंजीरा बूटी है, बहुत शक्ति है इसमें। कैप्टन नेवा? हाँ हाँ कैप्टन नेवा। कैप्टन क्या हुआ? अरे मैडम तैयार हो रही हैं। क्या अभी तक? अंजलि देवी आप बाहर निकलती हैं या मैं अंदर आऊं? क्या बात है? यकीन नहीं आता, तुम तो अच्छी लग रही हो। ना चलो शॉर्टकट लेते हैं।
क्या बात? नेवा का क्या मतलब होता है? इससे प्यार हो जाए? क्यों? मनोला क्या हुआ? गोरिल्ला पहाड़ के उस तरफ है कैप्टन, जो मन उसे अभी देखा है। मुखिया जी गांव के दरवाजे बंद कर दो। हाँ। कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक चलो चलो जाओ, तुम सब लोग जाओ अपने अपने घर जाओ, दरवाजा बंद कर लो, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जाओ चमकी 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 काजी चमकी चमकी। अरे एदुर, चमकी माँ माँ एदुर दोने चमकी कैदर होते चमकी ना ना काजरी यहाँ से चलो जल्दी। चमकी को लेके जा। लेकिन तू? मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। जाओ जाओ काजरी जाओ। पातो इसी जख्म के वजह से ये पागल हो गया है, वरना ये जानवर कभी किसी पर हमला नहीं करता। मनोला इसे ठीक करके वापस जंगल में छोड़ देते हैं। ठीक है कैप्टन। क्यों मैडम, मेरे मना करने के बाद भी तुम गांव से बाहर निकली? यहां तुम्हें फैक्ट्री लगानी होगी ना कैप्टन। ये चमकी को बचाने के लिए जंगल में आई थी। क्या अपनी जान पर खेल गई, वरना चमकी और मैं दोनों नहीं बचते। तुमने बचाया ने? अरे अंजलि अंजलि कैप्टन अब ये भी बेहोश हो गई। Thank you.
जवानी, थोड़ा मैं भी दीवाना, थोड़ी तू भी दीवानी, थोड़ा मैं भी दीवाना। किशन, बीच जंगल में अंजू एक अनजान आदमी के साथ, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी बहुत है। जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर पहुंचेगा मैं खुद ही उसे ढूंढने निकलूंगा। हाँ ये ठीक है, पता नहीं उन जंगलियों के बीच मेरे अंजू का क्या हाल होगा। अच्छा क्या मनोला ये कैप्टन और ये तुम। थैंक यू चमकी, शुक्रिया। सफर के अंत और शुरुआत में हम लोग ऐसा ही करते हैं। ओ। अच्छा मनोला, फिर मिलेंगे। बाय चमकी। बाय बाय। क्या पका रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू है। भूख लगी है? बड़ी जोर से। तो सोचना क्या है, उठाओ पतीला और शुरू हो जाओ। ओके। ये तो आंखें हैं।
आंखें तो आंखें ही रहेंगी, कोई कान नाक थोड़ी बन जाएंगी। तुम आंखें खाते हो? यहाँ सब खाते हैं, हम दुश्मन को सोना चांदी के लिए नहीं मारते बल्कि उसका गोश्त खाने के लिए मारते हैं, और खास करके आंखें। आंखें ही तो सबसे मजेदार होती हैं। लो तुम भी चक्कर। जंगली वैशी जानवर, दूर रहो मुझसे। तुम इंसान की आंखें खाते हो, मुझे तो सोच सोच कर अरे 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 अरे, मैं मजाक कर रहा था। ये तो यहाँ के खास अंगूर है जो बिल्कुल आंखों की तरह लगते हैं। तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्या? What you? हिलना मत। चाकू फेंको। फेंको। ठीक है। अगली बार कहना कि नीचे फेंको। हाँ। लेकिन लेकिन ये है कौन? यहाँ का नहीं है और शायद अकेला भी नहीं। गोली किसने चलाई? आवाज उधर से आई ग्वाना, शायद बिजू को वो लड़की मिल गई। चलो। इंजन ऑन करो। हाँ? क्या हुआ? Hey, ये तो बेहोश है। नदी की तरफ जल्दी। हो रही बोट पर। झुक जाओ। किसलिए? किसलिए? लड़की पे निशाना लगाओ। स्टीयरिंग पकड़ लो। हाँ, ओके, ओके। मार डालो। स्टीयरिंग नहीं चल रहा है। ये मुझे दो। और तुम वो रस्सी पकड़ो। अच्छा।
हथौड़ी। ओके, ये लो। पाना। पाना। हाँ। पकड़। अरे पकड़। अब पकड़ पकड़। एक मिनट। ये लो। तैयार हो गई। इंजन तैयार हो गई? नहीं, चाय तैयार हो गई। ये मंजीरे वाली चाय की तो बात ही कुछ और है। वो कौन लोग थे जो मेरे पीछे पड़े हुए थे? चोर या आशिक? आ। अपने आप को आईने में देख लो, यकीन हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? पानी का बहाव देख रहा हूँ। इस वक्त हम दो राह पर खड़े हैं, दो काम कर सकते हैं। वापस जाने की कोशिश, दो इसी रास्ते पर चलें जिस पर हम निकल पड़े हैं। देखते हैं किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। हम जहाँ तक पहुँचे हैं वापस जा सकते हैं। मुश्किल है, बहाव तो हमें आगे ही ले जा रहा है। करना क्या है, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। मैं भी यही सोच रही थी, कहीं तो पहुंचेंगे। अब लगता है हम फंस गए हैं। पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ है और जमीन कहाँ है। ठहरो, मैं नीचे जाकर बोट को खींचता हूँ। क्या हुआ? बोट वहां अटक गई, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? वो लीच लगी है। क्या? हाँ, इधर। अरे ऐसा मत करो, ये झोंके खून चूसने वाले, अगर इनके दांत अंदर रह गए तो जहर फैल जाएगा। तो ये लो नमक, इससे निकालो। हाँ, घुमो। सब निकल गए। हाँ। नमक लगाने से पहले कितने झोंक निकाले तुमने? पांच या छह, सात, आठ। किशन, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हो? फैल गया, पता नहीं इसका असर कब तक रहेगा। किशन, 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 किशन तुम फिकर मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं किशन। आओ।
मत दो। किशन, किशन। थोड़ा और। हम निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते ना। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरा दोष है। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई पछतावा नहीं। सफर का अंत, सफर की शुरुआत। अंजू उठो, अंजू अंजू। अंजू हम बच गए, बाहर आ गए। बाहर आ गए कैसे? देखो दलदल में पानी आ गया, पाउस आ गया। बारिश, बारिश। हाँ हाँ बारिश, बरसात, पाउस। Bye.
मंजीरा डाक बंगला, तुम्हारी मंजिल। हाँ मेरी मंजिल है सफर का अंत। फिर गलत, सफर की शुरुआत। बिल्कुल ठीक, शुरुआत ही तो है। कल मिलेंगे यहीं पर। अंजू हाँ? एक मिनट। मंजीरा बूटी तुम्हारे चाय के लिए। साथ में पियो तो एक रिश्ता बन जाता है। राइट बाय। नमस्ते मैम। बाय। चाय पिएगा? एक मिनट। जॉनसन एंड जॉनसन, कहाँ हो तुम लोग? मैं वापस आ गई हूँ। जॉनसन। मैडम। डैडी। अरे अंजू कहाँ मिया जा रहे? अंजलि जी सर। I know. अरे भाई लेकिन ये पहन क्या रखा है? डैडी आप चाय पियेंगे? चाय। I love you daddy. Let's all of you. Yes sir. कैप्टन किशन, अरे वो तो चर्च में घंटी चढ़ा रहा है। थैंक यू। जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया, चढ़ाओ घंटी हैया, चढ़ाओ घंटी हैया, जोर लगा के हाय डी सिल्वा। अरे माय डियर अग्रवाल। हाय हाउ आर यू? फाइन, एक एक हो जा। अरे तुम नहीं सुधरोगे यार। अच्छा मैं कैप्टन किशन से मिलने आया हूँ। कहाँ मिलेगा वो कैप्टन? रस्सी पकड़ो जल्दी। अरे पकड़ो। अरे अरे माय डियर अग्रवाल। माय डियर डी सिल्वा। अरे कबूतर के बच्चे। अरे अग्रवाल साहब। हाँ आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे डिंग डोंग घंटे की तरह लटक रहा हूँ यार। सर को लटका के हंस रहे हैं? लाते जोर जोर से नॉनसेंस। अग्रवाल साहब फिकर मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अरे जल्दी आओ। अग्रवाल साहब कस के पकड़िए। ओके अंकल डी सिल्वा रेडी? एक मिनट। रेडी। अरे थैंक यू कैप्टन, थैंक यू वेरी मच। सर सर आप ठीक तो हैं? आर यू ऑलराइट सर? अजीब लोग हैं, वेरी स्ट्रेंज पीपल। लटका दिया हैं फांसे। शट अप कैप्टन साहब। भाई मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई। अब मालूम पड़ रहा है कि आपने हमारे सारे खानदान की जान बचाने की कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि शुक्रिया का स्टॉक खत्म हो जाए। ये साहब आप शुक्रिया वुक्रिया छोड़िए, दोस्तों में शुक्रिया कहाँ। चलिए मिलाइए हाथ। अरे चलो इसी बात पे केक हो जाए। चीयर्स। देखो कैप्टन अब तुमने हमको दोस्त बोला है, अब तुमको बॉम्बे आना होगा और बॉम्बे में तुम्हारा अपना घर है, हमारे साथ रहना होगा। यू टू डी सिल्वा। हाँ वहाँ पिलाएगा। अरे निलाएगा निलाएगा। और हम सब आएगा आएगा। एक्सक्यूज मी फादर फेलिक्स कहाँ मिलेंगे? वो फूल को पानी दे रहे हैं। फादर। हेलो फादर। हेलो। माफ करना बेटी, हमने आपको पहचाना नहीं। फादर मैं अंजलि अग्रवाल हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। और मैं यहाँ आई हुई हूँ। और मैं और बहुत परेशान हो? नहीं नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आई सी। फादर मैं हाँ हाँ कहो बेटी कहो। मैं मुंबई से आई हूँ। जानता हूँ। मैं साइलेंट की नहीं हूँ। ये भी जानता हूँ। और
और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। आपको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। बात क्या है बेटी? फादर, उसकी ये दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। क्या हम दोनों का मेल हो सकता है? उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सब कुछ तो अलग है फादर। बिल्कुल सही है बेटी, दो अलग अलग रंग हैं, मिल ही नहीं सकते। देखो बेटी, ये फूल लाल है और वो पीला, इन दोनों को मिलाया तो वो फूल पैदा हो गया। देखो ये फूल ना लाल ना पीला, बदसूरत सा लगता है ना? नहीं फादर, ये तो बहुत खूबसूरत फूल है। हा? अरे हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत फूल है ना? मगर फादर, मेरा काम, मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य, सब कुछ तो शहर में है। यहाँ इस छोटी सी बस्ती में तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, तुम इस वक्त एक दौरा है पर हो, अपनी सारी परेशानियां खुदा पर छोड़ दो, वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाए। अंजू! यस डैड। अंजू, मम्मी का फोन है मुंबई से। मम, आ रही हूँ। अच्छा, आ रही है तुम्हारी लाडली। लो आ गई। हाय मम। कहाँ हो तुम? ये मेरा तीसरा फोन है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फिकर मत कीजिए। डोंट वरी। ओफो, तुम डोंट वरी कह रही हो, और वहाँ मंजीरा में किसी फादर फेलिक्स ने उल्टी सीधी रिपोर्ट भिजवा कर हमारी फैक्ट्री का काम बंद करवा दिया। क्या? हाँ, गवर्नमेंट एक कमेटी बिठा रही है, हमारा सारा प्लान खतरे में है। अंजलि, सुना तुमने? हाँ, सुन रही हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मेहनत, ट्रेनिंग, अग्रवाल इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या होगा? तुम इस वक्त एक दौरा है बरो, अपनी सारी परेशानियाँ खुदा पर छोड़ दो, वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगा। What are we going to do, अंजलि? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ गया है मॉम, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। किशन, गवर्नमेंट ने हमारी फैक्ट्री के कामकाज पर रोक लगा दी है, इसलिए मुझे फौरन मुंबई जाना पड़ रहा है। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर वक्त नहीं मिला। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जंगल में मुझे तुम जैसा कोई साथी मिलेगा। तुमने मेरी जान बचाकर जो एहसान मुझ पर किया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, मेरे पास ज़रूर आना। तुम्हारी दोस्त अंजलि। अरे किशन, ऊपर क्या कर रहे हो? उतर आओ फौरन, अभी इसी वक्त। सुन नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं? बेटा किशन, चोट लग जाएगी। अरे किशन, ये क्या बचपना है? नीचे आओ। अरे अजीब लड़का है, हमने कहा नीचे आओ। ये घंटी जो तुमने चढ़ाई है, अकेले आदमी का काम नहीं है। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अच्छा, तुम्हारा जो प्यार अंजलि से शुरू हुआ था, उसे अधूरा क्यों छोड़ा? क्या बात कर रहे हैं अंकल डी सिल्वा, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता। वेरी स्मार्ट। ये तो सिर्फ एक चिट्ठी है, इसमें प्यार की कोई बात नहीं। इसी का तो रोना है, इसमें प्यार की कोई बात नहीं लिखी। किशन माय सन, तुम्हारी ये हालत देखकर साफ जाहिर है कि तुम अंजलि से बहुत प्यार करते हो। लो, और अंजलि भी मुझसे ये कह रही थी कि वो इस आइलैंड पर किसी से बहुत प्यार करती है। क्या वो मुझसे प्यार करती है? ये तो उसने नहीं कहा। हाँ, किसी से तो प्यार करती है, क्यों डिसल? शायद जॉनी से प्यार करती है। नहीं फादर, वो राणा है ना, बड़ा हैंडसम, दिल फेंक, उसी ने उसका दिल जीत लिया है। फादर, राणा और अंजलि क्या जोड़ी है? बैठिए, बहुत हो चुका, अब मजाक नहीं। अब आप ही बताइए, वो मुझसे ही प्यार करती है ना? ये चिट्ठी झूठ है ना? जवाब मिल गया, झूठ है। हमारी बात सुनो किशन, शहर के जो लोग होते हैं हर चीज को अपनी सोसाइटी के तराजू में तोलते हैं, इसलिए तुम्हें मुंबई जाना होगा और अंजू की सोसाइटी के बीचों बीच
उसके दिल को दोबारा जीतना होगा। कैप्टन, मुंबई पहुंचते ही तुम उसे बोल दो कि तुम उसे बेहद प्यार करते हो। बेटे, और उसे यह भी इकरार कराना होगा कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। इसका मतलब यह है कि अब भी चांस है। अरे चांस का दूसरा नाम रोमांस है। फिर ऐसा हुआ कि मैं लौट चुकी थी वापस अपने घर, अपनी दुनिया में। मंजीरा एक भूला हुआ सपना था और कैप्टन किशन, किशन को मैं भुला नहीं सकी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं उसकी याद को दिमाग के किसी कोने में बंद कर दूंगी ताकि धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी से दूर चला जाए। बैकहैंड क्रॉस को। रोजी, इसे सूटकेस से बाहर क्यों निकाला? कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। हटो यहाँ से, अपनी मनमानी करते रहे। ओहो, ये गुस्सा किस बात का है भाई? लगता है मैं अचार करा रही हूँ। नो डैड, बिल्कुल नहीं, मैं तो स्ट्रेट सच में जीत करा रही हूँ। अरे तो फिर छोड़ दो गुस्सा, देखो क्या खुशखबरी लाया हूँ। अग्रवाल साहब, आप बुलाए और हम ना आए। मैं 11 तारीख को शिप से मुंबई आ रहा हूँ। कैप्टन किशन। वाह, क्या बढ़िया चाय बनाई है कैप्टन। एकदम नक्कीज बोल रहे बाप, तू तूने तो सूर्या चाय वाले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ले बाप। अपन गुरु लोग का लिस्ट के अंदर मिठुन दा के बाद तेरे इच नाम लिखता है बिडू। क्या झकास चाय बनाई। ये मुंबई की भाषा है ना? अरे आई शब्द ये मुंबई का भाषा है। अब मुझे लगता है कि मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। हे सूर्या, मुझे मुंबई की भाषा सिखाएगा ना? अरे आई शब्द मैं तेरे को सिखाएगा ना मुंबई का भाषा। हो रहा किशन, किशन यहाँ। इधर किशन, इधर। तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही अंजू। एक मिनट। अंजू, अंजू, मैं मंजीरा से आ रहा हूं। सुनाई नहीं दे रहा है। Can't hear you. Oh, अकलमंद है। अंजू, अपुन तेरे साथ बहुत प्यार करता है क्या? अपुन डायरेक्ट मंजीरा से आया है तेरे साथ शादी मनाने के लिए बाप। आए? ये क्या? अंजू, ये क्या कह रहा है? इतनी गाड़ियां, इतनी बिल्डिंगें, कमाल किया है बनाने वाले ने। कमाल तो आप करते कैप्टन साहब, खास करके आपका वो भोपू वाला मजाक। वो मजाक थोड़ी था दोस्त, वो तो दिल की बात थी जो अंजू को देख के धमाके से निकल आई। लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। चुप! जब देखो बकवास करते रहते हो। तुम समझते क्या अपने आप को? उल्टा सीधा काम करते रहते हो। अरे तुम जैसों की वजह से तो मुंबई की पुलिस बदनाम। मगर मेरा कसूर क्या है सर? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम एक हवलदार हो, ड्यूटी को ड्यूटी समझो, वरना मेरा नाम इंस्पेक्टर अवतार सिंह है, मैं एक ही झटके में तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, समझे? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप कौन है? आप कौन है? पहले काम की बात तो सुनिए। आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप बदहजमी के मरीज। आपको भूख नहीं लगती और जरा सी बात पर आप चिढ़ जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। किशन, और दूसरे काम की बात सुनिए। आपका ऑफिसर आपको डांटता है, बहुत डांटता होगा ना? ये भी करेक्ट। बहुत डांट पड़ती है सर। चुप! आप कौन है? मेरा नाम है कैप्टन किशन, मिलाओ हाथ। हो गई ना दोस्ती? अंजू, अपना पता देना। एक मिनट। एक दो दिन में जरूर मिलेंगे। हाँ, ये पता। आना मत भूलना। तीसरे काम की बात बताऊंगा,
बदहजमी दूर हो जाएगी। हाँ कमाल है। दोस्त बन गए। कहता है बदहजमी दूर हो जाएगी। करेक्ट सर। चुप है। हेलो कैप्टन। होला कैप्टन। सुनते क्यों नहीं? मीट माय वाइफ टेलीफोन अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल। ये सिर्फ फोन पर ही रहती है हमेशा। फोन फोन फोन। ये कैप्टन किशन, माय वाइफ आशा अग्रवाल। वेलकम टू मुंबई कैप्टन। होला, आपने अंजू की जान बचाई, इस एहसान का कर्ज हम उतार ही नहीं सकते। एक कप गर्म चाय पिला दीजिए, कर्ज अपने आप उतर जाएगा। कैप्टन साहब को मजाक करने की आदत है, बिल्कुल सर्कस के जोकर की तरह। मजाक बहुत हो गया अग्रवाल साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आया। शौक से कीजिए। डैडी डैडी, आप जानते हैं हम सबको बाहर जाना है, किशन को फ्रेश होने दीजिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। कम कम कम। अजीब टाइप का आदमी है। बहुत अजीब आंटी, वेरी वेरी स्ट्रेंज। ये तुम्हारा कमरा है किशन, और किसी चीज की जरूरत हो तो ये है मास्टर कंट्रोल, ये बटन एसी ऑन करने के लिए, और ये टीवी नजदीक लाने के लिए। नजदीक? किशन, ये मशीनों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। कोशिश तो कर सकता हूँ। अब जल्दी से जाओ बाथरूम में, फ्रेश हो जाओ, उस तरफ बाहर जाना है लंच के लिए। अंजू। यस। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। अंजू अंजू जल्दी आओ, देखो ये क्या है। क्या हो गया? क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग कैप्टन, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इस कुर्सी में छेद क्यों है? छेद? ये कुर्सी नहीं है किशन। नहीं? लगती तो ऐसी है, फिर क्या है ये? ये डैडी आप ही बताइए ना। हाँ मैं बताऊँ? हाँ बताता नहीं, दिखाता हूँ। हम दिखाएंगे। समझ गए कैप्टन? बिल्कुल समझ गया। थैंक गॉड। इसमें पैर डालकर धोना पड़ता है। हाँ मैं अभी आया। हम नीचे इंतजार कर रहे हैं। वैसे अंजू, ये पाव धोने का आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। डैडी आप भी ना। क्या बात है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बड़े मजे की बात है भाई। तो तुम सुनो। मैं कैसे बता सकती हूँ, आप बताइए। समझ गया, मैं समझ गया, वो कुर्सी में छेद क्यों है, मैं समझ गया। पेट साफ करके और। अरे बस 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 बस, आगे मत बढ़ना, तुम बिल्कुल सही समझे हो। क्या हुआ, क्या बताओ भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल के घोड़ों की नीलामी में नेशनल टर्फ क्लब आपका स्वागत करता है। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन घोड़े आपके सामने पेश किए जाएंगे। इस वक्त जो घोड़े आपके सामने लाए जा रहे हैं वो कर्नल मनचंदा के प्लेटफॉर्म से आए। इससे नहीं खाते हैं, ये तो चम्मच है, इससे खाते हैं। दिस इज अ फोक, कांटा, ट्राई इट। थैंक यू। डोंट मेंशन इट। आफ्टर ऑल, शहर के तौर तरीके गांव वालों को सिखाना तो हमारा फर्ज बनता है। अब स्पेगेटी क्या चीज है वो तुम जैसे लोग क्या जाने। पता है कैप्टन, स्पेगेटी इटली की डिश है। जंगल में ऐसे होता होगा कि जो मिला जैसे मिला वो खा लिया। कैप्टन मैंने सुना है कि जंगल में इंसानों का भी मांस खाते हैं। क्या वाकई इंसानों का मांस खाते हैं? खासकर आंखें। अंजू तुमने मुझे वो किस्सा सुनाया था। आशा तुम्हारी आंखें हैं कि अंगूर? डैडी स्टॉप इट। कैप्टन जी। Oh, I'm so sorry. बुरा मत मानिए, लेकिन
बड़े बड़े क्लबों में वेटर को भी कैप्टन कहते हैं। यस सर। आ कैप्टन, देखा? शैंपेन फॉर एवरीबॉडी प्लीज। ओके सर। आ थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये घोड़ों का आखिरी लॉट है, नीलामी शुरू ही होने वाली है। अच्छा कैप्टन, एक बात बताओ, इन घोड़ों में से कौन सा असली है, हां किसे खरीदा जाए? बड़ा आसान है कैप्टन, जरा संभल के। ये जंगली जानवर नहीं है, घोड़े हैं, ऊंची जात के, थोरब्रेड। इनकी नस्ल देखी जाती है, इनका खानदान देखा जाता है, कोई ऐसा वैसा घोड़ा यहां आ भी नहीं सकता, नहीं समझे? मैं समझाता हूं, जैसे शादी ब्याह के मामले में पूरी छानबीन की जाती है कि लड़का कौन है, कहां से आया है। हा? मेरा मतलब है कोई गिरा हुआ मामूली सा आदमी बड़े बड़े खानदानों में आकर बैठ ही जाता है। अरे हाँ कैप्टन, तुमने वो कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, समझ गए ना? बिल्कुल समझ। वेरी गुड, वेरी गुड। अग्रवाल साहब, मुझे वो सफेद घोड़ा असली लगता है। वो तो अच्छा शिखर। ज्यादा पी लिए। ओ सॉरी, कांटा। ओफो, सिर्फ बर्फ मांगी थी, ड्रिंक भी छोड़ गया, इडियट। कौन है? शेखर, मैं अंजलि। ओह अंजू, हाउ आर यू, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? क्या हुआ था तुम्हें? अब अंजू, वो मैं टेंशन की टैबलेट लेता हूँ ना, तो उसके साथ शैंपेन पी ली तो जरा सा रिएक्शन हो गया। अच्छा अच्छा, हुआ, कोई सीरियस बात नहीं हुई, वरना कल मेरी बर्थडे पार्टी मिस कर जाते, याद है ना? ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा और सबसे बढ़िया प्रेजेंट मैं लाऊंगा। ओके बाय शेखर। ओके क्या हुआ? वो मैं पानी ठंडा था। ओके बाय बाय। डैड, आप कब आए? 2 घंटे और 11 मिनट। 2 घंटे 11 मिनट? हाँ, ठीक 2 घंटे 11 मिनट शेखर बेहोश रहा। टिश्यूम, क्या पंच मारा उसने? है पंच मारा? किसने पंच मारा? वो छोटी छोटी गोलियां, उसके ऊपर शैंपेन। आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई आप जरा यहाँ बैठिए। अरे क्यों बैठिए, बैठ जाइए। हाँ डैडी, आपने देखा है कि आप थोड़े ओल्ड फैशन लगने लगे, आप अपने बाल पर्म क्यों नहीं करवा लेते? अरे वाह क्या आइडिया है, ताकि जो 4 बाल रह गए ना वो भी छड़ जाए। हाँ? अच्छा सुनो, वो कैप्टन क्या कह रहा था, कुछ सीरियस बात करनी है? वो कोई खास बात नहीं थी डैडी। अंजू डैडी, वो बहुत सिली सी बात थी। अच्छा? वो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और यहाँ मुझसे शादी करने आए हैं। फिर तुमने क्या कहा? क्या? मैंने क्या कहा? हाँ? आप मजाक कर रहे हैं डैडी? क्यों? उसकी तो दुनिया ही कुछ और है। वो आइलैंड में रहता है, जंगलों में घूमता फिरता है, हम एक दूसरे के करीब तो आ ही नहीं सकते। अंजू, ये तुम्हारा दिल कह रहा है? ये मेरा दिमाग कहता है, मेरी समझ कहती है, और मैं सही हूँ। दिमाग की बातें तो सुननी ही चाहिए। ये कहता है कि शादियां बराबर वालों में ही होती हैं। मेरे दिमाग ने भी कभी मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था। अंजू, दिल को पूरी तरह कभी भुलाना मत। ये सिर्फ एक जिस्मानी पुरजा नहीं है, ये एक घरौंदा है जिसमें प्यार बसता है, प्यार जिसकी हर धड़कन ये बताएगी खुशियों का रास्ता किधर है,
अरे इंस्पेक्टर क्या ले दोस्त? अरे बुरा हाल है यार, बेटा सामने बैठ के लच्छेदार खाना खा रहा है और मैं बदहजमी के डर से पत्ते खा रहा हूँ। Happy birthday to you, Anju. Happy birthday. Happy birthday to me. Hey, तू कहाँ से आया? Happy birthday, Anju. तुम यही सोच रही हो ना कि मैं कहाँ से आया? Exactly. कैसे बताऊँ? तुम मेरी भौंकने की ज़बान समझ नहीं पाओगी. यही तो मुश्किल है. यही तो मुश्किल है. तुमने अपने चाहने वालों को कभी नहीं समझा, मगर इतना जान लो, प्यार की भाषा धीरे धीरे दिल में जगह बना ही लेती है. शीशे पर क्या लिखा है पढ़ो, समझ जाओ. Many happy returns of the day, Anjali. Anjali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. देखा मैंने कहा था ना, सबसे पहले मैं ही आऊंगा और सबसे बड़ा प्रेजेंट मैं ही लाऊंगा. क्लुक 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 क्लुक. Thank you.
कोई समझाए मुझे क्लुक 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 क्या होता है क्लुक 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 कोई समझाए मुझे क्लुक 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 ये क्या होता है क्लुक 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 मेरी रातों की नींद गई दिन का चैन गया क्या होता है ये क्लुक 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 कोई समझाए मुझे क्लुक 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 क्या होता है क्लुक 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 मेरी रातों की नींद गई दिन का चैन गया क्या होता है ये क्लुक 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 जब दिल में उड़ाए वो है क्लुक 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 जब रातों की नींद और दिन का चैन जाए यही होता है ये क्लुक 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 क्या लगा रखा है क्लुक 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 थोड़ी चालाकी थोड़ा धोखा है बनाओ भोले भालों को बेवकूफ मिला अच्छा मौका है यूं ही कुछ लोग महफिल में किसी से क्यों उलझते हैं यूं ही कुछ लोग महफिल में किसी से क्यों उलझते हैं ये दिल वालों की बातें दिल वाले जानते हैं की गाड़ी चले छुक 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 तो दिल में जो होता है वो धुक 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 जब रातों की नींद और दिन का चैन जाए यही होता है ये क्लुक 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 कुछ कुछ समझ गई मैं कुछ कुछ ना समझी पास आए जो तू मेरे तो फिर मैं तुझे बताऊं इन सब को वही हुआ है कैसे तुझको समझाऊं शर्मा के पलक जाए झुक 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 सीने में सांस जाए रुक 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 जब रातों की नींद और दिन का चैन जाए यही हो हाँ अब तो समझ गई क्लुक 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 ये क्या होता है क्लुक 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 कोई मिले किसी से जब छुप 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 वो सारी उम्र रहे चुप 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 जब रातों की नींद और दिन का चैन जाए यही होता है ये क्लुक 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 सुबरशी की मिकी योबी काकुशी तोरी दे नोसान अकुने वार्नियात्सु होडो योकु नेहुरु वार्नियात्सु
सु होनो योकु नेमुरु। नेमुरु? जिसका मुझे डर था वही हुआ। 24 घंटे टेलीफोन पर लगी रहोगी तो दिमाग के पुर्जे तो हिलेंगे ही ना। सुगाता संशीरो। क्या कहा आपने? सुगाता संशीरो। और उसका जवाब है सुगाता संशीरो जुकु। समझ गए? सुगाता संशीरो। देखो शेखर, अगर तुम जापानी बिजनेसमैन के साथ उनकी अपनी भाषा में बात करोगे तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। okay, no problem. और मैं तुम्हारे साथ अंजलि को भेज रही हूँ। क्या? हेलो, हे, वापस आओ इडियट्स। क्या आंटी, अंजलि भी साथ चलेगी? वंडरफुल। शेखर, अगर तुम इस डील में कामयाब हुए तो मैं समझूंगी कि तुम मेरे दामाद बनने के लायक हो। आप सच कह रही हैं, दामाद? ऑफ कोर्स। क्या? बेटे, खुशखबरी ये है कि फिलहाल फैक्ट्री का काम रुका हुआ है, लेकिन तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ, अंजलि का क्या हाल है? क्या पक रहा है? बहुत अच्छा पक रहा है फादर, मंजीरे का स्वाद मिला रहा हूँ। अरे उसमें थोड़ा चाट मसाला भी मिक्स कर देना, क्योंकि मुंबई वालों को बहुत पसंद है कैप्टन। हाँ, और खास तौर से अंजलि को। ओए, मुंबई की सारी लड़कियां दीवानी हैं चाट की, और इन लड़कियों की वजह से ही तो मुंबई छोड़ना पड़ा। उस लड़की का पता चल गया है इगुआना। हाँ बेटे, यहाँ सब खैरियत है। बस तू अपना ख्याल रख। हाँ, गॉड ब्लेस यू माय सन। अरे यार कैप्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अंजू के साथ बाहर जाना है। कहाँ? बिजनेस के लिए। बिजनेस और मैं? अरे हाँ बाबा, वो शेखर है ना चमचा, वो अंजू के साथ बाहर। ओहो, मेरा मतलब तुम्हें तुम्हें अंजू के साथ जाना है। बस ठीक है ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन ये मंजीरे वाला बैंगन खाने के बाद। अरे वाह रे वाह, मंजीरे का बैंगन भी होता है क्या? एक मेरे लिए भी लटका देना। बिल्कुल। फादर, लगता है अपने कैप्टन की दाल गल जाएगी। तुम्हें सिर्फ लगता है? अरे भाई, मुझे तो पूरा यकीन है। फादर, आपका तार। तार? हमें किसने भेजा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? फैक्ट्री के खिलाफ जो हमने अर्जी दी थी, उसी सिलसिले में सरकार ने हम सबको मुंबई बुलाया है। कब जाना है? अगले हफ्ते। फैंटास्टिक, मुंबई हम आ रहे हैं। इसको साथ में लाने की क्या जरूरत थी? इसका क्या काम है? मैं आने वाला भी नहीं था। वो अग्रवाल साहब ने बोला कि वो शेखर चमचा जा रहा है तो तुम्हारा जाना जरूरी है। यार शेखर, क्या तुम्हारा कांटे चम्मच का भी धंधा है? जाइए जाइए जाइए। अरे 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 अरे, वो तो पागल हो गया। किशन, अंजू, अंजू क्या? अरे अंजू, कहाँ जा रही हो तुम? वो बिजनेस का क्या होगा? चलो ड्राइवर। जगन, जगन, छोड़ दो उसे। अरे अबे क्या कर रहा है? नहीं, मैं देख रहा था कि ये वाकई औरत है या नहीं। क्या मतलब? मतलब औरत के साथ सिर्फ बात, नो हाथ। किशन, क्या हुआ किशन? कुछ नहीं, जरा सा अंधा हो गया हूँ। कैप्टन गुंडे कहाँ है? वो हर तरफ। कहाँ? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2। समझ गया। बाए 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 11 बजे। कैप्टन, इसके तो 12 बज गए। दाए 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 2 बजे। कैसा रहा? इसके तो 13 बज गए। आगे 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 आगे। अरे क्या हुआ? 11, 12, 3, 4। अरे क्या हुआ? 5, 6, 6:30। चीटिंग कर रहा था साला, नीचे से आ रहा था। ड्राइवर, 3 बजे। ये दूसरी बार तुमने मुझे मारा। पहली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इस बार मैं तुम्हें नहीं।
क्या करें? कर भी कह सकते हैं, 2 घंटे 11 मिनट तक सॉरी भी नहीं बोल सकते। वाह, बड़े मौके से आया। देखिए घर में कोई घुसा आया है। क्या हुआ? अरे कैप्टन तुम? अरे ये तो अपना दोस्त है। बैठ बैठ बैठ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। बैठने का वक्त नहीं है, उतर बे। अरे बैठ तो सही। अरे तुम्हें चलना पड़ेगा। अबे कहाँ? बात क्या है? बात ये है दोस्त कि एक लड़की है, कुछ लोग उसे जिस्म बेचने पर मजबूर कर रहे हैं, उसकी शादी एक लड़के से करवानी। अच्छा। मैंने टाटा कि वहाँ गुंडे आकर मारपीट करें, इसलिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा। अरे लेकिन मुझे नाश्ता तो करने दे। नाश्ता करने का वक्त नहीं है। चलो चलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध शर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न अस्मि। क्या हुआ? आँख में कुछ चला गया क्या? मैं शादियों में हमेशा रोता हूँ, बहुत मजा आता है। क्या? हाँ। मामा जी चलो। फिक्र मत करो किशन, किशन रोने भी नहीं देते। आयुष्मान बाबा, आयुष्मान बाबा, आयुष्मान। क्या जज्बाती लबा, इमोशन से भरपूर। अभी थोड़े आंसू बचा के रखना, विदाई भी बाकी है। कैप्टन, अरे तुम क्यों रो रहे हो? रोएंगे तो हम, अभी तो तुम्हारे हंसने हंसाने के दिन शुरू हुए। कैप्टन अंजलि, तुमने लेटेस्ट बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन देखी है? ये रही। बाय द वे, आज तुम्हें क्या हो गया था? शेखर ने बताया कि मीटिंग में जाते जाते तुम रास्ते में रुक गई और लड़ाई झगड़े में पड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसने संभाल लिया, वरना बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाता। कमाल का लड़का है, हर इम्तहान में पास हो रहा है। हाँ मम्मी, हर इम्तहान में पास हो रहा है। पकड़ो। मत पूछो क्यों, लेकिन मैं उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। उसके पास ना थी कॉलेज की डिग्री, ना दौलत, ना खानदान, लेकिन कुछ था। अरे पकड़ो। मेरे दिल और दिमाग के संघर्ष में एक तरफ था किशन का ये कुछ और दूसरी तरफ। हेलो अंजलि। हाय शेखर, आओ इधर इधर। ऑफ कोर्स, बैठो बैठो ना। चाय? पकड़ो। क्या बात है शेखर, आज तुम बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हो। अंजलि, तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि। वो कहते हैं ना बच्चों की किताबों में कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आसमान मेरे सर पे टूट पड़ेगा। सॉरी अर्चिका, लेकिन यार तुम हमेशा निशाना क्यों बन जाते हो? इसके बारे में सोचो, पिछले जन्म का पाप होगा। मैडम, आपके लिए रिसेप्शन पे टेलीफोन है। ओके, एक्सक्यूज मी शेखर। अंजलि, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। इधर दो, जल्दी जल्दी। हेलो, हाँ अंजलि अग्रवाल, कौन बोल रहा है? अरे शेखर, अंजू कहाँ गई? फोन पर गई है, 8 घंटा हो गया है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो जहर है, मैं बताता हूँ अपने आइलैंड में दवा कैसे ली जाती है। ये लो, भाप लो इसका, भाप। 12 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। अच्छा सर,
मैडम ने आपको टेलीफोन पे बुलाया है। कम से कम आधा घंटा। बोला अंजलि अग्रवाल मेरे कब्जे में है। कौन हो तुम? बोलो नहीं सिर्फ सुनो। हमें वो वीडियो कैसे चाहिए जो इस लड़की ने मंजीरा आइलैंड में लिया था। लो बात करो इससे। किशन, अंजू तुम ठीक तो हो? मेरी बात सुनो किशन, मेरी टेबल के पास लाल डब्बे में एक वीडियो कैसेट पड़ा हुआ है, उसे जल्दी यहाँ ले आओ। और सुन लिया लड़की ने क्या कहा? वो कैसेट यहाँ ले आओ और इसे कुछ नहीं होगा। स्विमिंग पूल के पास एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, नजर आया? हाँ। एक घंटे में उसे कैसेट मिल जाना चाहिए, समझ गए? हाँ। इसी तरह समझदारी से काम करोगे तो शायद लड़की की जान बच जाए। हाँ? मैं कैसेट लेके तुम्हें एक घंटे में यहीं मिलूंगा। ओके ओके। हो गया क्या जो तुम कर रहे थे? चलो हाथ ऊपर करो। अंजू कहाँ है? अंजू? हाँ? अंजू कौन है? तुम्हारी शादी हुई है? शादी? नहीं नहीं नहीं। तो होगी भी नहीं। हाँ? नहीं, 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 नहीं। लड़की इसी होटल में है। हाँ। सातवें माले पे रूम नंबर 711 लिफ्ट के सामने दरवाजा, सिग्नल है, 3 बार नॉक कर रहा। रूम नंबर 711 711 कैसेट मिला? हाँ? टाइगर क्या हुआ तुम्हें? किशन गेट हिम। इंस्पेक्टर साहब। किशन 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 अंजू। हाँ औरत पे हाथ उठाता है मर्द नहीं हो सकता। ताज्जुब है मर्द ही लगता है। दर्द हो रहा है? किशन
किशन। अंजलि वो फोन तुमने वो। आओ आओ अवतार भाई, ये वाकई कमाल की चीज है, हर तरह की गंदगी साफ हो जाती है। ओके कैप्टन बाय। क्या सोच रही हो तुम? देखो कैप्टन मेरी चाय में क्या डाल रहा है और मुझे पिला भी देगा। सब मैंने फैसला कर लिया है। क्या? तुमने मुझसे फैसला मांगा था ना? हाँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ किशन, मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू वेरी मच। किशन, किशन क्या हुआ? किशन चाय भी बकवास है। हेलो ड्राइवर, गाड़ी लाओ। दिल जीतने की है तुझमें हर अदा अदा अदा, तो बोलो कैसे न होता मैं फिदा फिदा। अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल। इतने करीब आ जाए, लहरों के जैसे मिल जाए, मेरी सांसों में बेचैनी है, दिल का मौसम तूफानी है, तेरे प्यार के तीर ने घायल कर दिया, 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 तेरे इश्क ने मुझे कमाल। अरे अरे तू है कमाल।
कैसी दीवानगी क्यों ये बेताबियां, कैसी ये बेखुदी क्यों ये बेहोशियां, कैसी दीवानगी क्यों ये बेताबियां, कैसी ये बेखुदी क्यों ये बेहोशियां। न होश में तुम आओ न होश में हम आए, ऐ काश के अब ये पल ऐसे ही ठहर जाए। हाँ इस प्यारे से देखो है तुझमें हर अदा अदा अदा, तो बोलो कैसे ना होता मैं फिदा फिदा। अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल। जानते हो अंजू, कैप्टन को जब ये बताया गया कि तुम इससे प्यार नहीं करती बल्कि राणा से प्यार करती हो, तो ये संन्यास लेने को तैयार हो गया। वो सब ठीक है फादर, ये बताइए आप यहाँ आए कैसे? सरकारी मेहमान बनकर। मेहमान? मेहमान वो कैप्टन बाराती तुम्हारी शादी में। रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। हमको यहाँ सरकार गवर्नमेंट ने बुलाया है, क्योंकि कल जो कमेटी की मीटिंग होने वाली है उसमें हमारी राय ली जाएगी कि मंजीरे में फैक्ट्री लगाई जाए या नहीं। क्यों फादर? सलवा, लेकिन हम सब फैक्ट्री के खिलाफ हैं। मंजीरे में फैक्ट्री नहीं लगेगी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं चलूंगी। बेटी अंजलि, क्या हम नहीं जानते कि मंजीरे से तुम्हारी कितनी उम्मीदें, कितनी मेहनत लगी हुई है? अब तुम भी तो हम में से एक ही हो बेटी, तुम हमें किसी किस्म का नुकसान थोड़ी पहुंचाओगी। फायदा पहुंचाऊंगी फादर, भलाई चाहूंगी मैं आपकी। आप देखेंगे फैक्ट्री बन जाने के बाद आपकी धरती एक स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन बेटी अंजलि, ये देखिए, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए ये आपका मंजीरा है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़, एक बहती हुई नदी। जैसे ही फैक्ट्री शुरू होगी शहर बस जाएगा। आज जो लोग लकड़ी के झोपड़ों में रहते हैं कल उनके पक्के घर होंगे। आपकी छोटी छोटी नाव है ना, कल आपकी मोटर की लॉन्च होगी। मैं आपको कैसे बताऊं कि यह मंजीरा क्या से क्या बन जाएगा? आप खुद ही सोचते रह जाएंगे, क्या ये वही जगह है जहाँ एक जंगल होता था, वो छोटी सी बस्ती थी, वो पुराना मंजीरा था? बेटी तुम गलत समझ रही हो। फादर आप गलत समझ रहे हैं, अंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। कैप्टन ये क्या कह रहे हो? फादर गलत नहीं कहेंगे। अंजू इन्हें बताओ वो शहर कैसे बसेगा? समझ लो ये फैक्ट्री यहाँ लगेगी। यहाँ? हाँ, और इस जगह यहाँ कॉलोनी बनेगी। यहाँ एक कॉलोनी बन जाएगी? सुना तुम लोगों ने? एक बहुत बड़ा अस्पताल इस जंगल की जगह यहाँ। कितनी खुशी की बात है, यहाँ अस्पताल बन जाएगा। और फिर बिजली घर, सड़कें, बाजार, नदी पे बांध और न जाने क्या क्या। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इट विल बी। हाँ, वो सड़क, वो बाजार, वो सब कहाँ होंगे? इस जगह पे। अंजू वो शहर, वो फैक्ट्री, वो कॉलोनी सब डूब गए। मगर ये तो मिसाल के तौर पे है, वहाँ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मंजीरा एक जजीरा है,
चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ। जगह जगह पर तूफानी नदी अलग बहती है। ये जंगल, ये ऊंचे घने पेड़ सिपाही हैं, दीवार है। इनसे जो भी तूफान टकराता है वापस चला जाता है। जब यही नहीं रहेंगे तो एक हल्का सा तूफान दुश्मन की तरह आगे बढ़ेगा और कब्जा कर लेगा। ये आइलैंड समुद्र का हिस्सा बन जाएगा और सारी जिंदगियां बह जाएंगी, मिट जाएंगी। तुमने ठीक कहा था अंजू, हम सोचते रह जाएंगे क्या यही जगह है जहां वो जंगल था, वो छोटी सी बस्ती थी, एक हंसता खेलता स्वर्ग जैसा मंजीरा था। इस प्रोजेक्ट में फायदा कम, नुकसान ही नुकसान है। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब अग्रवाल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर की हैसियत से मैंने फैसला किया है कि मंजीरा में कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनिए, आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अंजलि जिंदाबाद, अंजलि जिंदाबाद, अंजलि। मेरी बेटी मेरे ही खिलाफ बात करे, आई कांट बिलीव अंजू ने मेरे साथ ऐसा किया। कमेटी के सामने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। आंटी, मैं आपके फैमिली के मामलों में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन जहां तक बिजनेस के सवाल है मैं चुप भी तो नहीं रह सकता। क्या मतलब? आंटी, अंजू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्योंकि वो कैप्टन से प्यार करती है। क्या? तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? जरा तो सोचा होता तुम क्या हो और वो क्या है। एक अनकल्चर्ड गंवार जिसे सोसाइटी में कैसे पेश आते ये भी पता नहीं, और तुम उसे अपना जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट। क्या हुआ आशा? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। आपकी बेटी कहती है कि वो उस कैप्टन से प्यार करती है। आशी, खैर जो भी हुआ उसे भूल जाओ अंजलि। आई एम सॉरी मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मम्मी? वैसे तो प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता, लेकिन मैंने किशन से प्यार बहुत सोच समझ कर ही किया है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, हंसेंगे लोग तुम पर, क्या सोचेंगे हमारे मिलने जुलने वाले जब वो ये सब सुनेंगे। पर जो सोचते हैं सोचने दीजिए ना मम्मी, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मुझे, तुम्हारे डैडी को, सोसाइटी में हमारे दर्जे को, अगर तुमने इस जाहिल इंसान के साथ। मम्मी, किशन के बारे में आप खैर अब जो भी हो, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे फैसले से कुछ नहीं होता है, इस घर में सारे फैसले मैं करती हूँ। ये इस घर का नहीं, ये मेरा अपना मामला है। इतनी देर से आप इसकी बदतमीजी देख रहे हैं और खामोश है? इसे कह दीजिए वही होगा जो मैं चाहूंगी। अंजू, डैडी आप ही ने तो कहा था दिल सिर्फ एक जिस्मानी पुर्जा नहीं है, घरौंदा है जिसमें प्यार बसता है, और इसकी हर धड़कन बताएगी कि खुशियों का रास्ता किधर है। डैडी, यस। किसी भी कीमत पर मंजीरा का प्रोजेक्ट पास होना चाहिए शेखर, मैं हारने वालों में से नहीं हूं। बताओ ना। नहीं बताऊंगी। बता भी दो। सब नहीं, थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, मत बताओ, खुशामद बहुत हो गई है। इतनी जल्दी हार मान गए? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ए? छोड़ो, बहुत ठंडा है। आइसक्रीम गर्म होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बताती हूँ बताती हूँ।
दादी आज रात की पार्टी में हमारी सगाई की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, अब छोड़ो भी। सच? फिर तो मुंह मीठा करना चाहिए। हाँ शेखर बोलो। हमारा काम हो गया आंटी, लाइसेंस मेरे हाथ में है। That's fine. किशन, तुम्हें पार्टी में लाने के लिए गाड़ी ठीक 7 बजे पहुंच जाएगी। मैं साथ में तुम्हारे लिए कपड़े भी भेज दूंगी। कपड़े? फॉर्मल पार्टी है, सूट तो पहनना ही पड़ेगा। सूट? और गले में टाई भी। बाय। टाई? अरे फादर, मनोला, अरे किसी को टाई बांधने आती है? अरे चमकी, रो रही है? अरे आज तो खुशी का दिन है, हंसने का दिन है। आज तेरे कैप्टन चाचा की मंगनी होने वाली है। आज तुझे गुलाब जामुन मिलेंगे, बर्फी मिलेगी, पेड़े मिलेंगे, बहुत सारी मिठाइयां मिलेंगी। अरे क्यों रो रही है चमकी? बाबा बहुत गुस्सा कर रहे हैं कैप्टन चाचा। मनोला नहीं, मैं उन्हें जिंदा काट के रख दूंगा। आगे मत बढ़ना, मत बढ़ना आगे। अरे वो हमारे जंगल को काट रहे हैं, हमारी दुनिया उजाड़ रहे हैं, मैं उन्हें काट के। मनोला छोड़ दो कैप्टन, छोड़ दो। मनोला होश में आओ। वो हम सबको मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं वो लोग। सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है फादर? हम हार गए किशन, अब मंजीरा में वो फैक्ट्री बनेगी, सारा जंगल कट जाएगा, हमारे घर, हमारी बस्ती, कुछ नहीं बचेगा कैप्टन, कुछ नहीं बचेगा। मत रो बाबा, बाबा मत रो, मत रो बाबा। आज तो खुशी का दिन है, कैप्टन चाचा की मंगनी हो रही है, बहुत सारी मिठाइयाँ भी मिलेंगी, लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन। मत रो बाबा, मत रो। किशन बेटे बहुत बहुत मुबारक हो, गॉड ब्लेस यू। कांग्रेस कैप्टन। बहुत बहुत मुबारक हो कैप्टन, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ कैप्टन, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। इस डॉक्यूमेंट पे लिखा है अब हमारी कंपनी तुम्हारे आइलैंड मंजीरा पे कोई फैक्ट्री नहीं बनाएगी। मैं अभी इस पे साइन कर देती हूँ। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है मैडम, हमारे लोग ये सुनकर खुशी से नाच उठेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है मैडम, बिल्कुल अंजू की तरह। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जो आप कहें। तुम फादर फिलिक्स को लिखोगे कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए हो, अंजू को अपने प्यार में फंसाकर तुमने अपना काम निकाल लिया, अब मंजीरा में फैक्ट्री नहीं बनेगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। एक तरफ तुम्हारे लोगों की खुशी और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी खुशी, फैसला तुम्हें करना है। फादर, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। तुमसे मोहब्बत
फूलों के ये मिले, कहते हैं मदहोश नजारे फूलों के ये मिले, अब नहीं जीना एक पल हमने तेरे बिना अकेले, अब नहीं जीना एक पल हमने तेरे बिना अकेले। ओ सारा प्यार तुम पर ही लुटाएंगे हम, तुम्हें पाके सब कुछ भूल जाएंगे हम, अब ये दीवानापन कम ना होगा सनम, अब ये दीवानापन कम ना होगा सनम, तुमसे मोहब्बत यूं निभाएंगे हम, बाहों में तुम्हारी घर बनाएंगे हम। दे सबको दोस्तों, मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मेरी बेटी अंजलि, मेरी अंजू बहुत जल्द शादी करने वाली है। थैंक यू। वो खुश नसीब कौन है मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूं। अंकल एक मिनट, अंकल प्लीज बहुत जरूरी काम है, मेरी बात सुनिए एक मिनट अंकल प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे दूरदर्शन वाले कहते हैं रुकावट के लिए खेद है, उसी तरह मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं भी आया। एंजॉय योर ड्रिंक्स, एंजॉय योरसेल्व्स। डैडी क्या बात है, ये नहीं हो सकता। डैडी ये गलत है, एक गलत फहमी है जो अपने आप को धोखा मत दो अंजलि, ये कोई गलत फहमी नहीं।
थैंक गॉड तुम्हारी मंगनी से पहले शेखर को ये चिट्ठी मिल गई। शेखर तुम झूठ बोल रहे हो या ये एक मजाक है? मजाक करने की इसकी पुरानी आदत है बचपन से ही। मैं समझ गई ये सब मजाक है ना शेखर, है ना शेखर? शेखर उस कैप्टन को बुलाओ। शेखर मम्मी ऐसा मत कीजिए, प्लीज उसे मत बुलाइए, उसकी कितनी बेइज्जती होगी। वो क्या सोचेगा कि हम उसे झूठा धोखेबाज समझ रहे हैं? डैडी डैडी आप मम्मी से कहिए, आप किशन को जानते हैं, क्या वो ऐसा कर सकता है? डैडी वो इतना सच्चा है कि डैडी प्लीज उसे मत बुलाइए। आपने मुझे बुलाया कैप्टन, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की और तुम पर भरोसा किया है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे सवाल का गलत जवाब नहीं दोगे। इस खत के बारे में क्या जानते हो? ये एक मजाक है किशन, एक अजीब मजाक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंजलि ये क्या कर रही हो? घबराइए मत मैडम, अग्रवाल साहब मैंने आपसे हमेशा सच कहा है और आज भी सच कहूंगा। ये चिट्ठी मैंने लिखी है। किशन तुमने वो चिट्ठी लिखी? तुम मुझे नहीं चाहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो तुमसे प्यार करती हूं, बहुत प्यार करती हूं किशन। मुझे एक मौका दो किशन, सिर्फ एक मौका, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम भी मुझे किशन। अंजलि बस संजू बस, बस क्या मैं जा सकता हूं? जाओ जाओ कैप्टन, जाओ प्लीज कैप्टन जाओ बस। बास्टर्ड भी ले जाओ अपने साथ। साहब आपका चीज लाया, कल रात को चौकीदार के पास कैप्टन छोड़ गया था। हेलो अंजलि, मैं शेखर नीचे ड्राइंग रूम से बोल रहा हूं, बहुत अच्छी खबर है, अभी ऊपर आ रहा हूं। ओके अंजलि, हाय अंजलि। अरे तुम भी क्या याद रखोगी, कल ही हमारी मंगनी हुई और आज मैंने हमारे हनीमून का प्रोग्राम फाइनल कर दिया। ये देखो एंडमन और निकोबार आइलैंड, देखो 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 देखो, पता है कितनी खूबसूरत जगह ये। हाँ हवा में फूलों की खुशबू, समुद्र की लहरें और घने घने जंगल और छोटी छोटी बस्तियां, और इस जन्नत में तुम होगी और मैं और कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों। सच है अंजू, ये प्यार करने वालों की बस्ती है,
अंजू जिसने स्वर्ग नहीं देखा है ना, वो इस जगह को देख ले, हंसी खुशी अपनापन। किशन, किशन, किशन कितनी खूबसूरत जगह है। तुमने सच ही कहा था कि अगर किसी ने स्वर्ग ना देखा हो तो इस जगह को देख ले। लगता है किसी ने प्यार की दुनिया बनाई है हमारे लिए। यहाँ और कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों। एक और भी है। कौन? Idiot. हमेशा मुझे सताते हो। I hate you. I love you, Anju. प्यार करने वालों के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं अंजलि। बस करो शेखर। अंजलि, मैं उसे भुला दूंगी शेखर, मैं सब कुछ भुला दूंगी। शेखर मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहां हर तरफ हंगामा हो, शोर हो, गाड़ियों का, मिलों का, मशीनों का, ना कुछ सुन सकूं, ना कुछ याद कर सकूं। मैं उसे भूल जाऊंगी उसे मैं। सॉरी शेखर आए। नहीं अंकल प्लीज, अंकल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। जो सलूक मैंने कैप्टन के साथ किया, अंजलि को धोखा दिया, अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूं अंकल। नहीं शेखर नहीं, ऐसा मत कहो। जिस सच्चाई के साथ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, ये पराश्चित नहीं तो और क्या है। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल। ये आपका बड़प्पन है। मैं अपनी खुशी के लिए अंजलि की खुशी नहीं छीन सकता। मैं अंजलि से प्यार। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, बहुत जल्द नींद आ जाएगी। लेकिन मिसेज अग्रवाल, अंजलि की दिमागी हालत बहुत नाजुक है, आप कुछ दिनों के लिए इन्हें कहीं ले क्यों नहीं जाते? हाँ डॉक्टर, मैं भी यही सोच रही हूँ। थैंक यू। वेलकम। आशा, आशा मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है। शेखर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अंजू का दिल कैप्टन ने नहीं, तुमने तोड़ा है। और अब आप ये सब उसे बता देंगे कि उसकी मां ने उसके साथ कैसा खेल खेला, उसे कैसे धोखा दिया। जाइए बता दीजिए उसे। डैडी, मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि मैं सो ही नहीं पाई। आपने पढ़ा है? अंजू, अंजू किशन ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो चिट्ठी एक झूठ था, दिखावा था। उसने मजबूर होकर एक सौदा किया था बेटी, अपने लोगों को बचाने के लिए। डैडी, बेटी एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी समझ कहती है कि तुम दोनों अलग हो, तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। वो बात मेरे मन में बैठ गई बेटा, इसलिए मैंने कैप्टन को मजबूर किया। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। जाओ अंजू, रोको उसे, कहीं वो हमेशा के लिए चला ना जाए। डैडी, ये सब आपने किया? हाँ,
Thank you, Daddy. I love you. Achu. अंजू, अंजू, अंजू समझ गई। वो समझ गई कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और मैं भी समझ गई हूं, आपने मेरा दोष अपने सर क्यों लिया। आप अंजू को कैसे बताते कि उसकी मां ने उसके साथ फरेब किया, उसे धोखा दिया। मैं उसकी नजरों में गिर जाऊं, यह आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं इस काबिल। आशा, तुम किस काबिल हो? कभी अपने आप को मेरी नजरों से देखो। लव यू आशा, लव यू। जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, उतना प्यार उसका कैप्टन उससे करे तो बहुत नसीब वाली होगी। अंजू, अंजू! मैडम वो तो गाड़ी लेके अभी अभी गई हैं। क्यों? डॉक्टर ने अंजू को नींद का इंजेक्शन दिया है और उसका असर कभी भी। सॉरी मैडम, हमारी शिप में कैप्टन किशन नाम का कोई पैसेंजर नहीं। मैम साहब, क्या हुआ रे? तू ठीक है ना? अरे मैम साहब, क्या हुआ तेरे को? नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। पानी है? पानी नहीं, चाय। सूर्या चाय वाला उर्फ मिठुंदा की चाय। एक गिलास बीमारी खलास। क्या बड़ा बड़ा डॉक्टर लोगों ने अपन से ट्रीटमेंट कराया है मैम साहब। चाय में डालो, थोड़ा अपनापन मिला लो, साथ बैठ के पियो, एक रिश्ता बन जाता है। ये चाय, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये मंजीरा की चाय है ना? क्या किशन ने दी है तुम्हें? धंधे की कसम, एकदम नक्की बोल रही तू। अपुन का भेड़ू कैप्टन किशन ने तो अपुन को ये चाय दिया। मुझे उनके पास लेके चलो, अभी प्लीज, अभी चलो। मैम साहब, तू उधर नहीं जा सकती, उधर जाने को पास लगता है पास। तो फिर तू फिकर काय को करती, अपुन उसको तेरे पास लेके इधर आता है ना। हाँ, और उससे कहना कि अंजू यहाँ नहीं, मेरा नाम मत लेना, वो नहीं आएगा। तुम बस उसे यहाँ ले आओ। तुम ले आओगे ना सूर्या? हाँ। अरे आई सपत मैम साहब, कसम धंधे की अपुन तेरे पास उसको लेके आता है ना, लेकिन तू अपुन का सामान पे ध्यान रखना। हाँ, अपुन यू गया और यू आया, अपुन का मिडू को लेके आता है मैम साहब, तू फिकर मत कर। किशन, किशन, तुम मुझे नहीं चाहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ किशन। कैप्टन आप कह रहे थे कि हम यही। बात क्या है कैप्टन, आप रुके हुए क्यों हैं? जहाज को तो अब तक चल देना चाहिए था, बात क्या है? क्या बात है किशन, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं फादर, बस मंजीरा जाने को बहुत जी कर रहा है। कैप्टन, ए कैप्टन! क्या बात है सूर्या? अरे एक बहुत झकास न्यूज है बाप, एक लड़की है ना तेरा इंतजार कर रही है, वो अपन का चाय पीते ही एक सेकंड के अंदर बोल डाला ये तो मंजीरा वाला चाय है। अंजू, अरे मां कसम बिनू, मोमबत्ती का दोनों बाजू आग लगे ला है क्या? वो तेरा इंतजार केक नंबर 3 पे कर रही है बिनू। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। एक तरफ तुम्हारे लोगों की खुशी और दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी खुशी, फैसला तुम्हें करना है। कैप्टन जहाज पे फोन है। हेलो, कौन? मैं कैप्टन किशन बोल रहा हूँ। कैप्टन,
कैप्टन एक बहुत जरूरी बात है। अग्रवाल साहब, अंजलि यहाँ आई। क्या अंजू? जी हाँ, आपकी बेटी यहाँ डॉक्स पर आई हुई है, लेकिन मैं उसे मिलना नहीं चाहता। अच्छा होगा आप उसे यहाँ से ले जाएं। प्लीज कैप्टन मेरी बात सुनो, अंजू को नींद का इंजेक्शन दिया गया है। क्या? हाँ, उसका असर कभी भी हो सकता है, कहीं भी किसी वक्त बेहोश हो सकती है। देखो कैप्टन मेरी बात सुनो, अंजू जान गई है कि वो खत तुमने नहीं लिखा। सुनो, हेलो, बस इधरिच बैठो इधरिच। अरे कुटे गली, अरे कुटे गली रे मैम साहब, आयशा पत बिड़ू, अपन उसको इधरिच छोड़ के गया था। मंजीरा वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो फौरन जलसागर पर अपना स्थान ग्रहण करें, जहां सब निकलने के लिए तैयार हैं। अंजू, अंजू, फादर अब और नहीं रुके। कैप्टन पांच मिनट और। डिसिल्वा, तुम किशन को जाकर ढूंढो, जल्दी करो। चल चलो। अंजू, किशन जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं शायद होश में नहीं रहूंगी। तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। तुम उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो, लेकिन बेटे तुम्हारी तो मंगनी हो गई है। मेरी मंगनी नहीं हुई फादर, मैं अंजू से प्यार का रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं। मैंने झूठ कहा फादर, आपसे, सबसे, लेकिन क्या करता फादर, एक तरफ अंजू थी और एक तरफ अपने लोग, अपना मंजीरा, मुझे एक को चुनना था फादर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया फादर, सब ठीक किया। खुदा पर भरोसा रखो बेटे, तुम्हारी ये कुर्बानियां जाए नहीं जाएंगी। मेरे बच्चे, खुदा तुझे कभी मायूस नहीं होने देगा, वो तो हमेशा मोहब्बत करने वालों के साथ होता है। किशन, किशन, अंजू, अंजू, यही तो है अंजू, दूर रहकर भी हम हमेशा पास पास रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता अंजू। नहीं किशन, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, मंजीरा पर कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी, मंजीरा तुम्हारी तरह रहेगा, सीधा साधा, भोला भाला, जिससे मुझे प्यार हुआ था, जिसे मैं प्यार करती हूं। कैप्टन! कांग्रेचुलेशंस माय सन। मुबारक हो कैप्टन।
टू Push it.